सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जिसे आप BCG के नाम से भी जानते हो। तो स्टॉक के अंदर आज ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया हमारी दोपहर वाली वीडियो में कि स्टॉक के अंदर क्यों तेजी बनी है, इसके पीछे का क्या कारण हुआ था। ठीक है, जो ये बल्क डील हुई थी ना, वही सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारी बल्क डीलें हुई थी, नीचे के लेवल से उठाया गया था माल और ऊपरी के लेवल से आप देखोगे प्रॉफिट निकाला भी गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी बल्क डील होती हुई नजर आई है, तो इन सब के चलते कल के क्या लेवल्स होने वाले हैं, क्या स्टॉक के अंदर कल गिरावट होगी या फिर जो स्टॉक के अंदर कल फिर से हमें तेजी देखने को मिलने वाली है, तो आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 27.30 रुपये का, ठीक है, ओपन हुआ 27.25 रुपये। हाई जो गया स्टॉक आज के दिन वो आप देखोगे 31.05 रुपये का, और जो लो है वो आप देखोगे 26.55 रुपये। तो पहले आप देखोगे स्टॉक के अंदर करेक्शन होना स्टार्ट हुआ, मार्केट में करेक्शन आया तो स्टॉक में भी करेक्शन आया। उसके साथ साथ आप देखोगे स्टॉक ने लो लगाया 26.55 रुपये का, और उसके बाद आप देखोगे स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ऊपर में पहुंचा 31.05 रुपये, जो इसका हाई है। तो ये गिरावट आखिरकार स्टॉक में सुबह देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक ने एकदम से रुख पलट दिया और स्टॉक में एक हाई लगा। उसके पीछे का रीजन था ऑपरेटर गेम, पब्लिक ने नहीं भाई, ऑपरेटर्स ने जो ना स्टॉक को नीचे से पंप किया था और एकदम से 8-9% 10% के आसपास स्टॉक को लेकर गए ऊपर में और उस लेवल से किया प्रॉफिट बुकिंग। और अब भी आप देखोगे कल के लिए क्या डाटा निकला है वो आप यहाँ पर देखोगे भाई, 3,44,00,000 की वॉल्यूम लगी है, सिर्फ और सिर्फ NSE की मैं बात कर रहा हूँ, BSE की अलग से है। तो लगभग जो दोनों के अंदर वॉल्यूम लगी 4 करोड़ के आसपास लगती हुई नजर आई है, और जो NSE में लगी है 3.5 करोड़ के आसपास, और एक बड़ा AMO ऑर्डर देखने को मिला है। 29 रुपये स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है, 29 पर क्लोजिंग लिया भाई, ठीक है, तो 29 पर क्लोजिंग लिया है जो कि लगा हुआ है 29 रुपये के भाव पर 10,53,580 क्वांटिटी का एक सेल ऑर्डर, जो कि काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, 10.5 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगे हुए नजर आई है मार्केट प्राइस पर। और डिलीवरी पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे जो डिलीवरी पोजिशन है वो कैसा रहा है आज के दिन का, तो यहाँ पर आप देखो जो डिलीवरी उठाई गई है सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास डिलीवरी उठी है, 3,44,00,000 के आसपास आपको ट्रेडिंग क्वांटिटी देखने को मिली है। डिलीवर वाला आप देखोगे 85 लाख के आसपास, यानी स्टॉक को ये जो पंप किया है ना, ये सारा ऑपरेटर गेम था। स्टॉक को जानबूझकर 10-12% भगाया और ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया। तो यहाँ से आप देखोगे एक जो डिलीवरी उठाई है काफ़ी ज़्यादा कम उठी है और एक बड़ा सेल ऑर्डर देखने को मिला है, तो यहाँ से हमें मिल चुके हैं नेगेटिव पॉइंट। तो चलिए चार्ट भी देख लेते हैं, इसका चार्ट क्या बोल रहा है अब। तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट के ऊपर इसके क्या लेवल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रायंगल के अंदर स्टॉक फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट क्या था, ये फॉल्स ब्रेकआउट आप जिसको बोल सकते हो, तो ये वही ब्रेकआउट है। जी हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन उसके बाद पुल बैक फिर से देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से आप देखोगे स्टॉक को पंप किया बट ऊपरी लेवल से फिर से प्रॉफिट निकाला गया है। तो यहाँ पर जो ये वीकनेस आपको देखने को मिली है ना ऊपरी लेवल से, ये है प्रॉफिट बुकिंग का संकेत, यानी स्टॉक के अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पर उसके बाद आप देखोगे एक और जो बड़ी गिरावट हुई है उसके साथ आप देखोगे रेड कैंडल जो कि स्टॉक को फुली नीचे की तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, स्टॉक के अंदर जो ये ब्रेकआउट जरूर हुआ है लेकिन आप ये फॉल्स ब्रेकआउट भी साबित हो सकता है। तो कल का जो दिन रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से। आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर से वही गिरावट हो सकती है और फिर से ट्रायंगल के अंदर अगर आ गया है ना तो फिर वहीं आप देखोगे यहीं पर घूमते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट के चलते ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फॉल्स ब्रेकआउट ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेम पैटर्न हमें बनते नजर आए हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक जो कैंडल बनी है ये आप देख सकते हो भी सेम कैंडल हमें यहाँ पर बनते नजर आई है। तो यहाँ से स्टॉक जो ना फिर से पुल बैक हो सकते हैं, यहाँ पर फिर से स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन के संकेत आ सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो आपको अभी वेट करना चाहिए कल के दिन का, ठीक है। पहली 5 मिनट की आपको कैंडल देखनी है, ठीक है। आप लोग जो ना इंट्राडे का डाटा करके या फिर जो ना 5 डे का कुछ भी करके पहली 5 मिनट की आपको कैंडल देखनी है। 5 मिनट की कैंडल आपको क्या संकेत देती है, एक अगर अच्छी बाइंग वाली कैंडल बन जाती है, अगर अच्छी एक आप बोलोगे जो ग्रीन कैंडल बनेगी फुल बॉडी वाली, ठीक है, तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की और स्टॉक ऊपर में आपको 37 से 40 के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे की तरफ स्टॉक गिरता है
तो आप देखोगे स्टॉक में एक करेक्शन आएगा और नीचे में जो स्टॉक है फिर से वही आप देखोगे भाई 27-28 के आसपास घूमेगा। ठीक है, तो ये गेम स्टॉक के अंदर था, ये गेम स्टॉक के अंदर ऑपरेटर्स ने खेला है, तो देखते भी कल के क्या हो सकते हैं। तो नीचे में सपोर्ट की बात करिए तो ये वाली सपोर्ट हमारी रहेगी कल के लिए 26.70 रुपये की, और ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे 29 रुपये लगभग, आप देखोगे ये वाला जो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 29.15 रुपये का लगभग 30.15 रुपये का रेजिस्टेंस है कल के लिए। तो ये लेवल्स रहेंगे। आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।